बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की आज की क्लास में मैं आप सबको खुश आमदीद कहूँगी। आज के लेक्चर में हम जिन टॉपिक को कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास राउटिंग के रिलेटेड होंगे, लेकिन उस पर जाने से पहले मैं ज़रा प्रीवियस लेक्चर को की रिव्यू ले लूँ, उसकी थोड़ी सी ज़रा समरी कर लूँ कि हमने कल क्या पढ़ा था। तो कल के लेक्चर में हमने जिन टॉपिक को कवर किया था वो हमारे पास राउटिंग टेबल कंपटेशन, शॉर्ट स्पॉट कंपटेशन एंड ए ग्राफ, जिसमें हमारे पास डिजस्ट्रा एल्गोरिथम हमने स्टडी किया था। इसके अलावा हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटेड राउट कंपटेशन, जिसमें हमने डिस्टेंट वेक्टर राउटिंग एंड लेंथ स्टेट राउटिंग को स्टडी किया था। तो आई होप आपको सारे ये लेक्चर क्लियर हो चुकी होंगी और उनके एग्जाम्पल हमने किए थे जो कि वैन टेक्नोलॉजीज़। तो अभी हम आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं और जाते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर, जो कि हमारे पास नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्किंग एंड एटीएम। ये होता क्या है, कैसे काम करता है? तो इंट्रोडक्शन में जाते हैं कि लैंस एंड वैन्स कैन बोथ कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर बट दे हैव डिफरेंट बेस टेक्नोलॉजी एंड मीट डिफरेंट गोल्स। ATM as a single technology that is designed to meet the goal of both LANs and WAN. LAN and WAN आप ऑलरेडी इनसे वाकिफ है कि हमारे पास लोकल एरिया नेटवर्क्स एंड वाइड एरिया नेटवर्क्स। ATM यूज द कंसेप्ट ऑफ कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क। ATM हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क का जो कंसेप्ट है वो यूज़ करता है। एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, टेलीफोन कंपनीज टेलकॉस इंट्रोड्यूस ATM टू मीट सिविरल गोल्स। यूनिवर्सल सर्विस फॉर ऑल सब्सक्राइबर, सपोर्ट फॉर ऑल यूजेस वॉइस वीडियो एंड डेटा। ए सिंगल यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर, नो सेपरेट लैंस एंड वैन्स। गारंटीड सर्विस व्हेन अप्रिशिएट, सपोर्ट फॉर लो कॉस्ट डिवाइस। तो ये तो हमारे पास एसेंशियलाइज ट्रांसफर मोड थे कि हमारे पास यूनिवर्सल सर्विस है, सपोर्ट फॉर ऑल यूजर डेटा है, जिसमें हमारे पास क्या क्या आता है कि वॉइस आता है, वीडियो आता है एंड अदर डेटा आता है। इसके अलावा हमारे पास सिंगल यूनिफाइड इंफ्रास्ट्रक्चर होता है जो कि नो सेपरेट लैन एंड वैन होता है एंड गारंटीड सर्विस देता है एंड सपोर्ट फॉर लो कॉस्ट डिवाइस भी करता है। तो ये तो हमारे पास एसेंशियलाइज ट्रांसफर मोड था। अब ज़रा जेटर पर जाएंगे कि हमारे पास जेटर क्या होता है। तो जेटर इज द टर्म यूज फॉर वेरियंस एंड ट्रांसमिशन डिलेज। जेटर इज सिग्निफिकेंट फॉर वॉइस वीडियो एंड डेटा। इन चीज़ों के हमारे पास जो है ना जेटर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जेटर एंड लैंस कैन अकर व्हेन अफेक्टेड इज डिले बिकॉज द नेटवर्क इज बिजी। पैकेट साइज, large packet result and less overhead because a smaller fraction of the packet is used per header information. Optimum network use 4 kb packet or larger. Large packet cannot easily be used per voice. Add bit sample at 125 uses for sample would require half a second to fill a 4 kb packet. Echo cancellation can only be used with low transmission delay. तो ये तो हमारे पास ये था। अब इसके बाद जरा हम ATM सेल्स पर जाएंगे कि हमारे पास क्या होता है। तो मीट टेस्ट गोल्स, ATM यूज स्मॉल पैक साइज पैकेट्स कॉल सेल। ईच सेल हैज 53 octets. VCI and VPI field identify the cell destination. PRIO tell if cell can be discarded. Okay, ATM cell continue है कि CRC checks the header bits only. ये इनके अलग अलग फंक्शनलिटी है कि ये इनने क्या क्या काम करना है। ATM header is about 10% of the cell. Ethernet can have overhead
of only 1%. Engineers sometimes call ATM overhead the cell tax. ओके अब ज़रा हम फिगर से इन सारी चीज़ों को क्लियर करेंगे कि हमारे पास एटीएम सेल किस तरह होता है. तो आप देख सकते हैं हमारे पास ऊपर में इसके बिट्स हैं 028 मीन ऑक्टल हैं. अच्छा क्या है हमारे पास फ्लो कंट्रोल जो कि वीपीआई फर्स्ट फोर बिट के लिए वीपीआई लास्ट फोर बिट एंड वीसीआर फर्स्ट फोर बिट वीसीआई मेडल एड बिट एंड वीसीआई लास्ट फोर बिट पे लोड टाइप हमारे पास पी आर आई ओ एंड साइक्लिक जो रिडंडेंसी चेक होता है यहाँ पर होंगी एंड पुट ये डेटा ऑक्टेट स्टार्ट हियर. सो ये तो हमारे पास फिगर के थ्रू एटीएम के सेल्स देखिए किस तरह आएंगे. अलग अलग ब्रांच है, अलग अलग पार्ट्स है कि जिसमें हमारे पास ये फ्लो कंट्रोल एंड ये सारे काम होते हैं. ओके कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस में है कि द कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस वेयर अ टाइम फॉर नेटवर्किंग इज सिमिलर टू द मैनर एंड विच टेलीफोन्स आर यूज. किस तरह एसएलएलआर डायल द नंबर ऑफ द डेस्टिनेशन द टेलीफोन एट द डेस्टिनेशन सिग्नल द अरेवल ऑफ द कनेक्शन रिक्वेस्ट इफ द कॉल पर्सन डज नॉट आंसर द सेलुलर गिव ऑफ आफ्टर वेटिंग फॉर ए टाइम आउट. If the call person does answer, then the connection is established and data is exchanged. ये हमारे पास पूरा जो सेलुलर फोन से हम कॉल मिलाते हैं तो उसी के सारा हमारे पास प्रोसेस है कि किस तरह हम करते हैं. तो सेलुलर डायल करता है नंबर ऑफ द डेस्टिनेशन मीन कि हम जिसको कॉल करते हैं तो हम उसी का नंबर डायल करते हैं ना. ऐसा तो नहीं करते कि अपना नंबर डायल करते हैं. हम जिसको कॉल करना चाहते हैं वो हमारे पास डेस्टिनेशन है ना, तो हम उनका नंबर डायल करेंगे. तो यहाँ पर हमने कर लिया. फिर द टेलीफोन एट द डेस्टिनेशन सिग्नल अरेव ऑफ द कनेक्शन रिक्वेस्ट, वहाँ पर रिक्वेस्ट आएगा. इफ द कॉल पर्सन डज नॉट आंसर, अगर जैसा आप किसी को कॉल मिलाते हो, नंबर डायल करते हो, रिंगिंग स्टार्ट हो जाती है, अगर वहाँ पर रिंगिंग तो स्टार्ट होती है, तो अगर वहाँ पर किसी ने रिसीव कर लिया तो मीन आपकी बातचीत होगी. अगर किसी ने नहीं कर लिया तो फिर मीन के दोबारा आप डायल करोगे ना. क्या करते हो आप लोग जो है ना, रिक्वेस्ट करते हो कि जो है ना वो जो मैसेज आप कॉल करते हो उसके लिए, अगर हमारे पास जो है ना जो पर्सन है जो कॉल करता है अगर उसने आंसर नहीं दिया तो सेलुलर गिव ऑफ आफ्टर वेटिंग फॉर ए टाइम आउट. समझ आ रहे मीन कि उसका टाइम आउट हो जाता है ना, मीन आप दोबारा उसको डायल करते हो, दोबारा आप उस नंबर को मिलाते हो. इफ़ द कॉल पर्सन डज आंसर, अगर उसने कॉल को अटेंड कर लिया और जो आपके पास साथ जो है ना बातचीत स्टार्ट कर दिया, आपको आंसर दे दिया, देन द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश. उस टाइम पर हमारे पास जो कनेक्शन है वो एस्टेब्लिश होगा और हम दोनों जो है ना अपना जो लिमिट होता है उसमें अपने मैसेज को अपनी बातचीत को पूरा करें एंड डेटा इज एक्सचेंज, और इसका हमारे पास तबादला होता है डेटा का. अच्छा कनेक्शन ओरिएंटेड ज़रा और भी आगे हम कंटिन्यू रखेंगे सर्विस के. क्या है कि इन डेटा कम्युनिकेशन ए बाइनरी कनेक्शन आइडेंटिफाई एज गिवन टू ईच ऑफ द टू पार्टीज टू द कनेक्शन टू द एनेबलर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द कनेक्शन. अच्छा अब जरा आएंगे वर्चुअल चैनल पर जिसको हम सर्किट भी कहते हैं. तो कनेक्शन एंड एटीएम आर कॉल वर्चुअल चैनल जिसको हम वीसी से रिप्रेजेंट करते हैं शॉर्टकटली, और वर्चुअल सर्किट एटम प्रीफेड बाय सम दीज आर कॉल वर्चुअल सेंस कनेक्शन आर परफॉर्म एंड एटीएम बाय स्टोरिंग वैल्यू एंड मेमोरी लोकेशन जो कि हमारे पास टेबल है एंड एटीएम स्विचेस एज अपोज टू मेकिंग एक्चुअल इलेक्ट्रिकल कनेक्शन. द वीसी इज आइडेंटिफाई बाय ए 24 बिट वैल्यू फ्रॉम रॉम द वीपीआई आर वर्चुअल पार्ट इंडिकेटर 8 bits which identify a particular part to the network. And क्या है कि the VCI or virtual channel identifier 16 bit जिसको हमारे पास होगी, which identifies the channel and the virtual part as being used by the connection.
फ्री है स्टूडेंट। तो अब इसके बाद ज़रा हम मोस्ट जो हमारे पास फ्रीक्वेंटली यूज़ होगी क्या है कि मोस्ट फ्रीक्वेंटली द 24 बिट पेयर एज ट्रीटेड एज जस्ट ए सिंगल कनेक्शन आइडेंटिफाई बाय कंप्यूटर। ओके तो स्टूडेंट ये तो हमारे पास आज के लेक्चर था, आज के टॉपिक से जो मैंने डिस्कस के लिए। थोड़ी सी ज़रा हम आएंगे समरी पर कि आज के लेक्चर में हमने किन किन टॉपिक को डिस्कस के लिए और आप लोगों के साथ मैंने क्या किन टॉपिक के ऊपर जो है ना बातचीत कर लिए और आपको समझा गया। तो फर्स्ट हमने जो टॉपिक अटेम्प्ट किया था वो हमारे पास कनेक्शन ओरिएंटेड नेटवर्क एंड एटीएम के होता क्या है, किस तरह काम करता है, अलग अलग इसके जो फीचर से हमने इसको डिस्कस कर लिया। इसके बाद हमारे पास एसेंशियल नाइस ट्रांसफर मोड डिस्कस कर लिया एंड एटीएम डिज़ाइन एंड सेल्स एंड कनेक्शन ओरिएंटेड सर्विस को भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया के वर्चुअल चैनल्स पर। तो आई होप स्टूडेंट आपको आज की ये लेक्चर समझ आ गया होगा। कमेंट्स मस्ट कर ले कि आपको आज की लेक्चर कैसे लगी। लाइक एंड सब्सक्राइब कर ले एंड शेयर भी कर ले। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।